आप सभी स्वागत है। बात करेंगे शानदार और दिग्गज स्टॉक के बारे में, जिसमें यहाँ पर इन्वेस्टर को लॉटरी लग चुकी है। एक शेयर के बदले मिलेंगे अभी 5 शेयर। तो यहाँ पर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्या, सभी चीजें देखकर डिसीजन लेना। दोस्तों मैं आपको बार बार रिपीट करना चाहूंगा, फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो ही इन्वेस्ट करना चाहिए और उस कंपनी में स्प्लिट बोनस का फायदा उठाना चाहिए। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो ये कंपनी अस्तरल पॉलिटेक इस कंपनी का छोटा भाई नजर आता है बिजनेस के बारे में। तो अब यहाँ पर फंडामेंटल भी उतने अच्छे हैं कि अस्तरल पॉलिटेक से, वो भी यहाँ पर हम देखेंगे और कंपेयर कर कर भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कंपनी में कितना दम है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसके एक्स डेट होती है उसके बारे में। जो भी इन्वेस्टर 15 अप्रैल से पहले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा उसको यहाँ पर एक शेयर के बदले 5 शेयर उसके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। और कंपनी में मुझे एक एडिशनल चीज़ देखने को मिली है कि कंपनी देखिए डिविडेंड देती है। तो इसमें से हमें पता चलता है दोस्तों कि कंपनी में दम है बोलकर, क्योंकि जो कंपनी कमाई करती है वही कंपनी आपको कमा के देगी। आप देख लेना मार्केट में जो कंपनी खुद कमाती है क्या, वही आपका बेनिफिट करेगी। नहीं तो अदर कंपनी देख लीजिए, खुद कमाती नहीं है तो आपको कमा के कहाँ से देगी। इस पर आपका जरूर फोकस रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये कंपनी लगातार देखिए 2019, 18, 17, 2020 और 21 में देखिए, सब तरीके से हम देखें तो हमें नज़र आता है कि कंपनी हमें बेनिफिट देने की कोशिश ही करती रहती है। अब इस कंपनी की ये तो चीज़ें देख ली, अभी प्रमोटर की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड और साथ साथ फॉरेन निवेशक, ये सभी का स्टेक देखेंगे और डिसीजन लेने के लिए हमें इजी हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो वो यहाँ पर खुद के पैसे वेस्ट नहीं करेगा। मैं आपको एक बात पहले बता दूं दोस्तों कि इसमें म्यूचुअल फंड की जैसे होल्डिंग बढ़ी है, इसपे से हमें समझ में आता है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड के पास इतना ज़बरदस्त एनालिसिस की टीम होती है और वो यहाँ पर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे लोगों को रिटर्न देना पड़ता है। आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते क्यों हुए लोग, क्योंकि उन्हें शानदार रिटर्न मिले बोलकर। और म्यूचुअल फंड इसीलिए अच्छे स्टॉक में ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और अच्छा रिटर्न कमाने की कोशिश करेंगे। और इसमें देखिए फॉरेन निवेशक, उनका भी स्टेक अच्छा देखने को मिला है। प्रमोटर का भी स्टेक देखेंगे तो 52% का स्टेक देखने को मिला है। तो इसमें अच्छी बात है, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत सा दम नजर आता है। अब यहाँ पर हम इसके वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, तो आज देख लीजिए 1 अप्रैल की बात करें तो आज का वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। लगातार स्टॉक में खरीदारी हो रही है, जितना यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है उसी तरीके से इसमें यहाँ पर खरीदारी भी बढ़ते देखने को मिली है। कंपनी के परसेंटेज की बात करें आज तो यहाँ पर 36% का वॉल्यूम नजर आता है। और देखिए क्वांटिटी कितनी उठाई गई है, 459 अच्छी खासी क्वांटिटी देखने को मिली है। और उसमें से देखिए डिलीवरी कितनी यहाँ पर होल्ड की गई है, तो यहाँ पर आप 1,771 क्वांटिटी यहाँ पर होल्ड करते हुए इन्वेस्टर देखने को मिले हैं। तो ये तो चीज़ें देख ली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट कैप और कर्जे के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 8,125 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। और वैल्यूएशन से देखेंगे स्टॉक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव नजर आता है, क्योंकि इसका पी रेशियो सस्ते दाम पर नजर आता है। कंपनी पर कर्जा देखेंगे तो 282 करोड़ का कंपनी पर कर्जा देखने को मिल जाएगा। और ये अच्छी बात है, कंपनी का मार्केट कैप और साथ साथ कर्जे को कंपेयर करें तो हमें समझ में आता है कि कंपनी का मार्केट कैप कर्जे से ज़्यादा है। ये अच्छी बात होती है। देखिए बहुत से कंपनी मार्केट में ऐसे देखने को मिल जाएगी जिनका मार्केट कैप कम और कर्जा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप नोटिस कर कर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देख सकते हैं सेल्स में भी अच्छी है, साथ साथ नेट प्रॉफिट में देखें तो उसमें भी आउटस्टैंडिंग ग्रोथ, यहाँ पर 160% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और सेल्स देखेंगे तो 52% से आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी का रिजल्ट बढ़िया है। हम यहाँ पर कंपेयर करें इस कंपनी को अस्तरल पॉली से, जो कंपनी देखिए मैं फाइन पाइप से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। स्टॉक का जो रिटर्न के बारे में देखें हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की जर्नी के हिसाब से तो अस्तरल पॉली स्टॉक अच्छा नजर आता है। बट अस्तरल पॉली मिलता कितने पर है, 1600 के ऊपर। और जो मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ फिनोएक्स इंडस्ट्री के बारे में, जो ये कंपनी देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से 3rd नंबर पर आती है अपने बिजनेस मॉडल में, पाइप से रिलेटेड, प्लास्टिक से रिलेटेड बिजनेस करने में। और अस्तरल पॉली देखेंगे 1st नंबर पर आती है, तो इसलिए आप कंपेयर कर सकते हैं कि 3rd नंबर की कंपनी है, कोई आलतू फालतू भी नहीं है जिस कंपनी के बारे में आपको बात कर रहा हूँ जिसमें आपको स्प्लिट का फायदा मिलेगा। फिनेक्स कंपनी देखेंगे तो अच्छी खासी रिटर्न भी प्रोवाइड कर रही है। और आज खुद देख सकते हैं आप आज का रिटर्न कितना है, तो 3% का रिटर्न पर शेयर में स्टॉक ने कमा दिया है। 600 यहाँ पर 55 रुपीज पर स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी फंडामेंटली आप ये सभी चीज़ें देखकर तो इतना समझते होंगे दोस्तों कि इस कंपनी में दम है बोलकर। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर पहले बैठे हैं वो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग करने वाले थोड़ा रुक कर खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा मेरे दिल से, मुझे लगता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर स्प्लिट के बाद में थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती देखकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। आई होप फिनेक्स
जो ये कंपनी इस रेटेड आप फिनोलेक्स जो कंपनी उस रेटेड आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके होगी सभी चीज़ें देखकर कि कंपनी कैसी है और कंपनी में क्या करना चाहिए बोलकर। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।